तेज प्रताप यादव ने बागी तेवर जो है वो अपना लिया है। कल भी तेज प्रताप यादव ने फेसबुक के माध्यम से तेजस्वी संजय यादव और जगदानंद सिंह पर सवाल उठाए थे, और एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर संजय यादव को लेकर के बड़ी बात जो है वो लिख दी है। आप अपने स्क्रीन पर तेज प्रताप यादव का पोस्ट देख रहे हैं, जहां तेज प्रताप यादव ने लिखा है, जिस प्रवासी सलाहकार के इशारों पे पार्टी चल रही है, वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच नहीं बनवा सकता, वो खाक मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएगा। वो प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और राजद में मतभेद पैदा कर सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को निशाना बना लिया है, और साफ कह दिया है कि हरियाणा के रहने वाले संजय यादव अपने परिवार के किसी सदस्य को सरपंच नहीं बना सकते हैं। उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो एक सरपंच तैयार कर दे हरियाणा में, तो वो क्या खाक मेरे भाई अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएगा? उसका सिर्फ एक ही काम है कि परिवार में किस तरीके से कलह पैदा किया जाए, भाई भाई को एक दूसरे से अलग किया जाए, यही काम संजय यादव का है। वहीं अपने दूसरे पोस्ट में कल तेज प्रताप यादव ने लिखा था, प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलता है, और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी में किसी भी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ है। तो आपने देखा किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जो है वो बागी तेवर खुलकर अपना लिया है, और अब कल तेजस्वी यादव को भी निशाना बनाया था, तो आज तेज प्रताप यादव ने सिर्फ और सिर्फ जो सलाहकार है संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के सबसे करीब है, और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव उनकी हर एक बातों को जो है वो मानते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बताए जाते हैं तेजस्वी यादव के संजय यादव, और संजय यादव को तेज प्रताप यादव ने निशाना बना लिया है और कह दिया है कि सरपंच जो ना जिता पाए वो क्या खाक मेरे भाई को मुख्यमंत्री बनाएगा। अब जिस तरीके से पूरा विवाद जो है वो चल रहा है, अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं? हालांकि तेजस्वी यादव ने आज सुबह में ही कह दिया कि हम खुद हैं यहाँ पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी हैं, तेज प्रताप यादव की जो नाराजगी है उन तमाम नाराजगियों को जो है वो दूर कर दिया जाएगा। मगर अब तेज प्रताप यादव जिस तरीके से संजय यादव को निशाना बना रहे हैं, आखिर तेजस्वी यादव किस तरीके से तेज प्रताप यादव को मनाएंगे, ये देखना अहम हो जाएगा। आपको एक बार फिर बता दें, आकाश यादव को पदमुक्त कर दिया गया, जगदानंद सिंह ने यह फैसला लिया, और जगदानंद सिंह ने छात्र नेता गगन कुमार को छात्र राजद का अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव लगातार जो है वो तेजस्वी हो या फिर जगदानंद सिंह हो या फिर उनके उनके साथ रहने वाले संजय यादव, इन तमाम लोगों को खुलकर निशाना बना रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक कलह पैदा कर सकता है संजय यादव, कभी मेरे भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकता। अब देखना होगा कि आखिर राजद में जो कुछ चल रहा है घमासान, आखिर उसका अंत क्या होता है। आप बने रहे हेडलाइंस के साथ।